आज हम जानेंगे यूरिन रिटेंशन के बारे में, यानी कि लोगों में पेशाब क्यों रुक जाती है, क्या कारण होते हैं इसके, क्या सिम्टम्स होते हैं और इसका क्या इलाज किया जाता है। तो यही सब जानने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जाना था कि लोगों में किडनी स्टोन्स क्यों हो जाती हैं, यानी कि गुर्दे में पथरी क्यों हो जाती हैं, क्या लक्षण दिखाई देते हैं, अचानक दर्द क्यों होने लगता है और इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वो वीडियो देख सकते हैं। अपने इस वीडियो में जानेंगे यूरिन रिटेंशन के बारे में। किसी का यूरिनरी ब्लेडर पूरी तरह से खाली नहीं होता है, यानी कि जो पेशाब की जो थैली होती है जिसमें यूरिन इकट्ठा होती है वो पूरी तरह से खाली नहीं हो पाता है और बार बार पेशाब जाने की इच्छा होती है और यूरिन पास आउट नहीं होती है। दोस्तों, ये दो तरह का हो सकता है, एक्यूट हो सकता है, क्रॉनिक हो सकता है। जो एक्यूट कंडीशन होती है ये तब होती है जब किसी को अचानक ही पेशाब रुक जाती है, जैसे कि रात को खाना खा के सो गया और पेशाब करने के लिए गया और यूरिन पास आउट नहीं हुई, तेज ही दर्द अचानक स्टार्ट हो गया, तो इसी को एक्यूट रिटेंशन ऑफ यूरिन बोलते हैं। और दोस्तों, जो क्रॉनिक होता है ये अचानक ही कंडीशन नहीं होती है, ये समस्या कई दिनों से या फिर कई हफ्तों तक लगातार बनी रहती है। जैसे कि यूरिन पास आउट करने जाते थोड़ी बहुत होती है, नहीं होती है, ब्लैडर पूरी तरह से खाली नहीं हो पाता है, तो इसको क्रॉनिक कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे, एक्यूट वो कंडीशन होती है जिसमें अचानक ही यूरिन रुक जाती है, और जो क्रॉनिक होता है कई दिनों से ये प्रॉब्लम बनी रहती है, तो उसी को एक्यूट रिटेंशन ऑफ यूरिन और क्रॉनिक रिटेंशन ऑफ यूरिन बोला जाता है। तो जान लेते हैं इसके कॉजेस के बारे में, इसके कारण क्या होते हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होने लगती है, लोगों की पेशाब रुक जाती है। इसका जो मेन कॉज होता है वो होता है इनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड। दोस्तों, पुरुषों में प्रोस्टेट ग्लैंड होती है जिसका साइज बढ़ जाता है। ये ज्यादातर समस्या ओल्ड एज के पेशेंट्स में होती है, लेकिन इस प्रॉब्लम किसी को भी हो सकती है, लेकिन ज्यादातर बुजुर्ग पेशेंट्स में प्रॉब्लम देखी जाती है, क्योंकि उनकी जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है इसका साइज बढ़ जाता है, इसीलिए इसको इनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट बोला जाता है। इसके और क्या कारण हो सकते हैं, किडनी स्टोन्स, जब किसी के गुर्दे में पथरी हो जाती है तो इस वजह से भी पेशाब रुक जाती है। जब किडनी स्टोन्स गुर्दे से निकलकर पेशाब की नली में आकर फंस जाती हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट में फंस जाती हैं, तब पेशाब रुक जाती है। बहुत ही ज्यादा तेज दर्द होता है, यूरिन पास आउट करने की बार बार इच्छा होती है, कभी कभी क्या होता है ब्लड भी आ जाता है इंजरी हो जाने की वजह से। इसके अलावा और क्या रीजन हो सकते हैं, ब्लेडर में अगर किसी तरह की सिस्ट है, स्टोन है या फिर ट्यूमर है, यानी कि जो यूरिनरी ब्लेडर होता है उसके अंदर ये सारी चीजें हैं, तब भी यूरिन पास आउट करने में प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा फॉरेन बॉडी इन यूरिनरी ट्रैक्ट, फॉरेन बॉडी का मतलब क्या है, कोई बाहरी चीज जैसे कि कचरा है यूरिन में, कैल्शियम ऑक्सलेट वगैरह बनता रहता है, वो फंस जाता है यूरिनरी ट्रैक्ट में, या फिर बाहरी चीज फंस जाती, बैक्टीरिया है और पैरासाइट है, ये इकट्ठा हो जाते हैं, तब भी पेशाब रुक जाती है। किडनी स्टोन तो रीजन रहता है, तो ये कारण होते हैं जिसकी वजह से लोगों की पेशाब रुक जाती है। मान लेते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में, इसका इलाज क्या किया जाता है। सबसे पहले तो पेशेंट का बीपी चेक करना चाहिए, अगर आपके पास पेशेंट आया उसका बीपी चेक करें, देखिए बीपी लो तो नहीं है या फिर बीपी हाई तो नहीं है, पेशाब उसकी रुकी हुई है। टेम्परेचर जरूर चेक करें, फीवर तो नहीं आ रहा है, अगर इन्फेक्शन होगा तो फीवर जरूर आएगा, और सारे वाइटल साइन लेने चाहिए। वाइटल क्या, जैसे कि SpO2 और पल्स रेट, तो ये चीजें जरूर आपको चेक करनी चाहिए, तभी आपको पेशेंट का इलाज करना चाहिए। तो सारी चीजें आपने चेक कर ली, अब जानते हैं इसमें मेडिसिन कौन सी दी जाती हैं। सबसे पहले तो आपको डायूरेटिक्स देने, डायूरेटिक क्या होते हैं, जो पेशाब को बाहर निकालने के लिए प्रेशर डालते हैं उसी को डायूरेटिक बोलते हैं, पेशाब को बढ़ाते हैं। लेसिक्स आता है जिसमें फुरसेमाइड होता है, आपको इंजेक्शन फॉर्म में ही मेडिसिन देनी है, इसको IM या फिर IV स्टेट देना, यानी कि तुरंत देना है आपको। 100 ml की एक NS लगानी है, उसी में इस इंजेक्शन को डाल देना है और स्लो IV देना है आपको, IV फ्लूड्स के साथ में। आपको BP चेक करना है, अगर BP लो रहता है तब आपको IV फ्लूड देने चाहिए, अगर BP मान लीजिए उसका सही है या फिर BP बढ़ा है तो IV फ्लूड आपको नहीं देने हैं, आपको ध्यान रखना है IV फ्लूड नहीं देने, अगर BP बढ़ा हुआ है या फिर नॉर्मल है, अगर BP लो है तभी आपको IV फ्लूड देने होते हैं।
इसके अलावा क्या कर सकते हैं, अगर इतना ट्रीटमेंट देने के बाद भी यूरिन पास आउट नहीं हुई है, दर्द बढ़ता ही जा रहा है, तो आपको क्या करना है, कैथेटराइजेशन करना होता है। कैथेटराइजेशन क्या बोलते हैं, जो यूरिनरी ट्रैक्ट होता है उसमें पेशाब की नली डाल दी जाती है और जो पेशाब रुकी हुई होती है वो बाहर निकल जाती है, तो ये करना है। और इसके साथ ही एंटीबायोटिक्स जरूर ऐड करने हैं ताकि इन्फेक्शन ना हो, अगर इन्फेक्शन है वो ठीक हो जाए, सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और इसके साथ ही सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट जरूर देना है, जैसे कि अगर पेट में बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है तो दर्द को कम करने के लिए इंजेक्शन आप लगा सकते हैं, जैसे कि एनाफोर्टान, डाइक्लो, ये दर्द के इंजेक्शन होते हैं, इनको तुरंत दीजिए जिससे दर्द कम हो जाता है। अगर फीवर आ रहा है पैरासीटामोल दे सकते हैं और पेंटाप वगैरह भी साथ में दे सकते हैं। तो इतना ट्रीटमेंट आपको देना है। अगर इतना ट्रीटमेंट देने के बाद भी रिलीफ नहीं मिल रहा है, नो रिलीफ, तो आपको करना क्या है, हायर सेंटर पेशेंट को रिफर कर देना है फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए, आपको अपने क्लिनिक पे नहीं रोकना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आपको समझ में आया होगा यूरिन रिटेंशन क्या होता है, क्या कारण होते हैं इसके, कैसे इससे बचा जा सकता है और क्या इलाज दिया जाता है। अगर इससे रिलेटेड और भी ज़्यादा जानकारी चाहते हैं, किसी और बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं, इंस्टाग्राम मुझे फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं।